क्या हो गया तेरे आज नेटवर्क का? हेलो देखो, हमारा क्वेश्चन है कि चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा, 5/9 एंड 30/54, यही है ना। दो तरीके हैं इसको करने के, पता है क्या? आप 5 और 9 आपको पता है कि अब कट कटा के बचा हुआ है, अब ये नहीं कट सकता, हो गया इसका काम। 30/54 तो कट सकता है, आपको पता है कि 2 की टेबल में ये 15, 2 2 जा 4, 2 7 जा, फिर 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, तो 5/9 इधर भी दोनों तरफ बराबर हो गया ना। एक और उससे भी आसान तरीका तुमको सिखा देता हूं, 5/9 × 30/54 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 30 को 30 को 9 से करेंगे तो क्या होगा, 270 होगा ना, 9 3 जा 27, और 54 5 जा कितना होगा, 270 ही होगा, 54 5 जा, बिल्कुल काम खत्म हो गया ना। दोनों में यस और नो ही करना है। आप इसको कट करके ऐसा कर सकते हो, नहीं तो ये सामने लिख करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई पहले राइट से करो आंसर ऊपर, फिर लेफ्ट से करो और फिर आंसर नीचे, दोनों बराबर है, इट मींस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। फांसी पे चढ़ सब में सेवेंथ में कोई दिक्कत नहीं, नाइन्थ में बोलो जल्दी बोलो, अरे तुम बोलो तो बोलो ना फिर ये बात, इसको दिक्कत करते हैं। अच्छा देखो, क्वेश्चन है कि राइट सम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विच कंटेन्स ऑल डिजिट फ्रॉम 1 to 9 वंस ओनली सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1 से लेके 9 तक सारे के सारे फ्रैक्शन लिखने, नंबर को लेकर के फ्रैक्शन बनाने हैं और नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। वाह बहुत जल्दी समझ में आता है। ओके सेक्शन 5 क्या, फ्रैक्शन लिखना है आपको, कुछ करना ही नहीं है, ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आपको ये सारे फ्रैक्शन लिखते जाने, बना के लिखते जाने। आगे बोलिए, 10 रुपए में, क्या 10 रुपए में? क्वेश्चन है कि रवीश हैड 20 पेंसिल, शिखा हैड 50 पेंसिल, प्रिया हैड 80 पेंसिल आफ्टर 4 मंथ्स, ये तो मैंने बताया था, तो फिर क्यों ये पूछ रहा है, ये तो रिकॉर्डेड है क्वेश्चन, ये टेंथ में प्रॉब्लम है, पागल हो, देखो वीडियो जाके। जैसे देखो आपके पास क्वेश्चन है 3/4 एंड 5/6 को ऐड करना है। ठीक है, हमने 3/4 लिया, 5/6 लिया, तुमको देखने में दिक्कत हो रही है क्या बेटा? नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, यहां पर 4 और 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो 2 2 और 3, 2 2 जा 4, 3 जा 6, नीचे हमने 6 ले लिया, ध्यान देना। अब ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसे डिवाइड करेंगे, एक सेकेंड, 2 2 जा 4, 3 जा 12 होगा ना, क्या कर रहा हूँ, 12 होगा, सॉरी गलती हो जाता है, 4 के टेबल में 12 कहाँ आएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, क्वेश्चन लिख दिया क्या मैंने उससे, आपसे तो बोला ही नहीं बोलने के लिए, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ केवल, और ऊपर वाले नंबर को 3 यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देंगे, काम खत्म। फिर प्लस था बेटे, प्लस करेंगे, 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, 2 और ये 5 हो गया, तो 3 3 जा 9 प्लus 5 2 जा 10 upon 12, 19/12 is the answer। किसको समझ में नहीं आया, हाथ उठाओ। 19 नीचे वाले जो भी होंगे उनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम समझ में आया? बोलो, अभी बोलो ना कि तुम्हें कुछ नहीं आया। 4 और 6 था, हमने एंड था तो प्लस में ऐसा लिख दिया, 4 और 6 का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम नहीं आता तुमको?
टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स। अब टू और थ्री तो केवल अपने टेबल में आता है और किसी के टेबल में तो आते नहीं है, तो खत्म हो गया ना। जितना नंबर आया वो देखेंगे, टू टू थ्री ये आंसर आ गया, तो टू टू जा फोर, थ्री जा ट्वेल्व इज द आंसर। ठीक है, 12 नीचे लिखा हमने। अब इन डिनोमिनेटर क्या है इसका, 3 अपॉन 4 का 4 डिनोमिनेटर है ना, 4 से डिवाइड किया हमने, तो 4 3 जा 12, 3 लिख दिया यहां पे आंसर। और ऊपर वाला नंबर सेम टू सेम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर बेटा 6 से 12 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12, और ऊपर वाले को एडिटिव यहां रख देंगे मल्टीप्लाई में, तो 3 3 जा 9 प्लस 2 5 जा 10, 10 और 9 19 अपॉन 12, और ये किसी से अब कटता नहीं, 19 तो केवल अपने पहाड़े बनता है। तो ये आंसर हो गया, समझ में क्यों नहीं आया, क्या समझाना है इसमें। मैं कहा ना नारियल की जो है ना अपने दिमाग को घिसा करो, ये जैसे आपका सर है और किसी डोले वाले भाई ने कहो हथौड़ा ले, अटन टूट जाए। बैठ बेटे, 3 अपॉन 4 एंड 5 अपॉन 6, देखो इसको प्लस करना है ध्यान दो, तो जैसे है वैसे ही पहले लिखेंगे 5 अपॉन 6, ये प्लस एंड मतलब प्लस करना था, प्लस लिख दिए। ठीक है, ओके, 4 और 6 को हम लोग कैल्सियम लेंगे, 4 एंड 6, 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब किसी से नहीं कटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 3 is equal to 12 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है, तो हम यहाँ नीचे 12 लिखेंगे इस तरह से, लिख दिया, अब 4 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 12 को, तुम बताओ जरा 4 से 12 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में टेबल में आता है, 12 को 4 से तीन बार, 4 3 जा, तो वो 3 यहाँ लिखेंगे और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, एक का काम इसका काम खत्म। ठीक है, या 6 2 जा, दो बार में डिवाइड होता है ना, ऊपर वाले को एज इट इज मल्टीप्लाई लिख देंगे। ये बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, ना समझ में आया तो अभी 50 बार पूछ लो, इसी के ऊपर आगे गाड़ी चुकी हुई है, बहुत आगे क्लास तक, बेसिक है ये। तो 3 3 जा 9, बीच में प्लस, 2 5 जा 10 यहां रखे, पहले ये देखिए रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना, हो रहा है, और नीचे 12, तो 10 और 9, 10 प्लस 9 19, और नीचे 12, 19 अपॉन 12 इज आंसर। समझ में आया, ठीक है, देखो इसमें एक और, तो अगर बेटे कटेगा तब तो काटोगे, 19 किसके टेबल में आता है, कटेगा 19 और 12 को काट लो, अगर आपसे कटता है तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, तो 12 1 जा 12, ऊपर 5 था हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 12 1 जा 12, ऊपर 9 था हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या है, 5 1 जा 5 प्लस 9 1 जा 9 12, 14 अपॉन 12 ये मिनिमाइज हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 7 अपॉन 6 इज द आंसर। किसको समझ में आया ध्यान से देख लो, पहले तेरा हाथ ही काटूंगा, क्या समझ में नहीं आया इसमें, क्या नहीं समझ में आया, क्या काटने वाला, अरे दो के टेबल में दोनों आता है ना, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, मतलब ये काटने वाले, क्या समझ नहीं आया तुझे, मैंने जबरदस्ती भी डाउट है तुम लोगों का, क्या थर्टीन और 3 डिवाइड नहीं होता, तो सीधे मल्टीप्लाई करके रख दिया 39 हमने, ठीक है ना, 13 3 जा 39 रख दिया, ऊपर 8 था हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का प्लस, 3 से 13 बार में डिवाइड करेंगे ना, तो 13 बार में कटेगा ये, समझ रहे, और 2 का 2 रख दिया, तो 8 3 जा 24, 13 2 जा 26, 24 26 50 हो जाएगा, नीचे 39 है, तो 50 upon 39 is answer। इसमें बता दो जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन है भाई तुम लोगों के लिए, सबसे पहले मैं कर देता हूँ जो तुमको सबसे मुश्किल लगता है,
फोर्थ में तो फिर तुम लुढ़क जाओगे। देखो क्वेश्चन है 7/16 from 2 बेटे यहां देखो क्या कौन बोल रहा है, तो थोड़ा धीरे मन में रीडिंग कर लो बेटा, ठीक है। 7/16 from 2 फ्रॉम मतलब कि इसमें से हमको माइनस करना, ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग इंटेलिजेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन था ये? है सब कुछ रिकॉर्डिंग है कि आप लोग इंटेलिजेंट नहीं है, दिख गया मुझे। आता है आपको? बताओ मैं क्या करूं। यहाँ क्या लिखे, किस तरह लिखे, फ्रैक्शन में बोलो क्या लिखे, नीचे ऊपर कुछ नहीं लिखे, तुम बताओ ना मैं क्या लिखूं, फ्रैक्शन पहला क्या लिखूं, अब सॉल्व करना है। 16 लिखा, अरे पागल ये बोलना क्वेश्चन कहाँ लिखे हैं, 16 लिख दो, माथे पे लिख दे, ये इस तरह लिख दे, क्वेश्चन बताना क्या लिखे हैं। 16 बोल क्या लिखूं, ये तो क्वेश्चन था, मैं इसे कैसे सॉल्व करूं। पहले एलसीएम लेना इसका। एलसीएम क्यों लेंगे, पहले क्वेश्चन ही नहीं लिखा हमने, क्वेश्चन तो लिखवा ले पहले। फ्रॉम जो आता है बाद में उसको पहले रखेंगे, टू नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ वन ले लेंगे, माइनस 7/16। ये गलती कभी भी गलती से मत कर दीजिएगा कि बाद और आगे लिख दीजिएगा, क्वेश्चन ही गलत है आपका। जब क्वेश्चन ही सही नहीं लिखेंगे तो आंसर कहाँ सही लेके आएंगे, आगे आएगा। अब क्या पूछ रहा है, तुमको पहले नहीं आया तो अब क्या, अब तो सबको आता है 16, यहाँ वन है तो 16 ही एलसीएम आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 16 बार में जाएगा और ऊपर का 2, बोलो मत 16 बन जा ऊपर का 7, आपको आता है वो बंद करके रखिए, नहीं आता है देखिए 16 2 जा 32 माइनस 7 बन जा 7/16, 32 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 25, यही होगा ना 25/16। अब ये किसी से नहीं कट सकता, ठीक है, वो केवल 5 के टेबल में आता है और ये तो 25 के टेबल और किसी के टेबल में है, और 16/2 के, मतलब ये किसी से नहीं कटेगा, दोनों एक नंबर से डिवाइड हो रहा हो तभी काटेंगे, नहीं तो नहीं काट सकते। ये रूल समझ में आया, एक ही नंबर से दोनों कटना चाहिए, तुम कब आए भाई, निकालो काम करो। ये कौन सा बच्चा है सर फुड़वाया हुआ, चलिए समझ में, अच्छा कर दिया ना पूरा, ये आगे समझ में, अगर ये 32 आगे होता तो ये माइनस का साइन आता ना, बिल्कुल मेरी बात सुनो, कहीं कोई भी हो 32 के आगे माइनस होता तो ना, जैसे 7 आपके होता और 32 आपके तो माइनस का साइन आता, माइनस आता बिल्कुल, माइनस 25 तो बोल रहे हो तो बात है ना, अभी तो नहीं हो सकता, तो इसी में आपका आंसर पूरा गलत हो जाता, आपने 2 इधर रखा है इसीलिए बच गया। हाँ बोलो, हाँ मल्टीप्लाई तो और क्या करेंगे, डांस थोड़ी कर सकते हैं। हाँ क्या सर, ये पीछे आना, आगे तुम आगे चलो, इसको पीछे चलने दो, कभी कभी इसको आगे खींच लिया करो, कौन सी क्लास में करना? आप अपनी चिंता करो ना, कन्ना ने घर में गोद लेके जाना है तुम्हें, गोद लोगे कन्ना ने, मुंह बंद कर, तुम्हारा पूछना ही गलत, क्वेश्चन पूछना हो तो पूछो, कान्हा को गोद लेने का है ना, पूरा प्रोसीजर मत पूछो, ये एक क्वेश्चन है आप लोग का और मुझे पता है कि आप लोग इंटेलिजेंट नहीं है, बस सिंपल सा है, तुम बोलो तुमको आ गया ना, तुम्हें आया कि नहीं है, हाँ तो बस क्यों लिखवा रहे हो फालतू में, इंटरेस्टिंग क्या होता है, अरे तुम्हें आ गया बात खत्म, मेरे लिए कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, पहले इसको सॉल्व करिए, 5 × 10 + 1 = 11/5 − 4/15, 15 और 5 दोनों एक में है तो 15 ही आएगा, लेकिन मैं आपको करके दिखा दूंगा,
ठीक है, 5 3 15 ऊपर का 11 मल्टीप्लाई किया माइनस 15 थ्री जा और ऊपर का 4 मल्टीप्लाई कर दिया 33 माइनस 12 अपॉन 15 13 में से 12 जाएगा तो कितना 33 से 12 जाएगा कितना जाएगा 21 अपॉन 15 3 7 जा 21 3 5 जा 15 7 अपॉन 5 इज आंसर। देख लो भाई सेवेंथ है सही। चलिए एक सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है 6.9 का फिफ्थ का सेवेंथ क्वेश्चन लाडो ने बोला इसको देखते हैं बेटा। क्वेश्चन है 7 + 7/4 आगे बोलो ठीक है तो बेटा एक प्रॉपर फ्रैक्शन बोलना नहीं आता आपको 5 × 1/6 करते हैं हो गया। तुम्हारी मम्मी आई खाना खराब बाहर कोई आया बोला कि आप ही की मम्मी आई है बाहर आ जा खाना ओके okay. अब देखिए सॉल्व करते जाएंगे सेवन था तो 7/1 हो जाएगा 7/4 हो जाएगा और 6 × 5 = 30 + 1 = 31/6 हो गया। अब इनका एलसीएम लेंगे 1 4 6 1 को रखते भी नहीं है वैसे 2 2 = 4 2 3 = 6 बात खत्म 2 2 = 4 3 = 12 12 इज द एलसीएम आया समझ में। हाँ ठीक है ठीक है 1 4 और 6 नीचे था ना हमने वहां एलसीएम में रखा इसको 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है 1 तो किसी से जाता ही नहीं 1 तो 1 ही है 2 2 = 4 2 3 = 6 अब 2 और 3 तो नहीं कट रहा ना किसी से तो 2 2 = 4 3 = 6 2 2 = 4 3 = 6 ठीक है क्लियर है 2 2 = 4 3 = 12 होगा सॉरी मैं 6 कर रहा हूं 12 हो गया 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार में ही जाएगा ऊपर 7 मल्टीप्लाई में लिखेंगे प्लस 4 से 4 3 = 12 ऊपर 7 है बेटा तो 7 लिख दिया फिर प्लस 6 2 = 12 ऊपर 31 है तो 31 ही लिख देंगे हो गया ना उधर इरेज कर देते हैं कितना होता है 84 बिल्कुल 21 ठीक है सबको प्लस कर लेंगे 2 1 3 4 7 6 2 8 8 16 डिवाइड कर लो नहीं यही आंसर हो जाएगा तो ठीक है डेसिमल में अगर लेके आना हो तो बेसिक बात लगे डेसिमल तो लेके आना सुन मैं ये नहीं है ये वाला भैया तुम डाल डाल हम बात बात पहले देख ले रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हाँ हो रही है देखिएगा फिर तो समझ में आया क्या ना जनक अगर 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 कितनी बार में आएगा 12 बार लिख दिया ऊपर 7 था तो 7 हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया प्लस था प्लस लगाया फिर अब 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 = 12 ऊपर 7 था 7 मल्टीप्लाई में लिख दिया ठीक है 6 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 6 2 = 12 ऊपर 31 था 31 लिख दिया ठीक है और 12 12 7 जा 84 3 7 जा 21 31 2 जा 62 का मल्टीप्लाई करके दे अब सबको प्लस किए बेटे तो 167 आया अपॉन 12 ये आ गया अब ये कटता नहीं है तुम डिवाइड करके 12 से देख लेना अगर कट जाए तो बढ़िया है और नहीं कटे तो समोसे खा लेना
जी सब में, सब में यहां पर है कि डैश माइनस फाइव अपॉन एट इक्वल टू वन अपॉन फोर, ठीक है ना। क्वेश्चन हम क्या करेंगे, पहले इस वाले डिजिट को ले लेंगे वन अपॉन फोर। बेटा यहाँ फाइव अपॉन एट था ना माइनस में, ये माइनस लगा ना, इक्वल टू क्यू साइड ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस फाइव अपॉन एट। बात अब इसको केवल सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही यहाँ पे भर देंगे। फोर और एट है तो आपको पता है एट एलसीएम होगा, मैं फिर भी दिखा देता हूँ। टू टू जा फोर, टू फोर जा एट, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर टू जा एट, ठीक है। फोर टू जा एट, ऊपर वन था तो वन मल्टीप्लाई में, एट वन जा एट, ऊपर फाइव है तो फाइव मल्टीप्लाई में, तो टू प्लस फाइव अपॉन सेवन सॉरी एट, सेवन अपॉन एट। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, सेवन अपॉन एट इज आंसर। जो है ये आएगा यहाँ पर उसी के लिए। अगर यहाँ प्लस होता तो उस साइड इस यहाँ पर माइनस करके हम उसको सॉल्व कर, समझ में क्या नहीं है। अरे बेटा वन अपॉन फोर था ना, ये वाला नंबर के उधर लेके चले जाएंगे तो माइनस था तो प्लस में हो गया, इस तरह से प्लस फाइव अपॉन एट सॉल्व करेंगे पूरा। करके दिखाना, करके दिखाएंगे फिलिप्स तो कर दिया ना। अच्छा ये कह रहे सॉल्व करके दिखाऊं आ रहा है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। बुलाएंगे मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन किया है ना, जो आंसर आएगा वही है फिलिप में आंसर हो जाएगा। तो क्या आप जानना चाह रहे हो, दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हो, यहाँ अगर प्लस रहेगा तो कैसे करें? कमाल का ठीठ लड़का है यार, अरे तो प्लस है तो उधर माइनस कर दे भाई, मैं तो करके दिखा दूंगा। हाँ पता है मेरे को, इसका थर्ड क्वेश्चन करके दिखाएं या प्लस वाला करके दिखाएं, तो देख लो। थोड़ा बहुत कर लो बेटा, बड़े बेटे तो आप भी हो गए हो, है ना। देखो हाइट आपकी कितनी अच्छी हो गई है, पूरा करना पड़ेगा ना। वन अपॉन टू माइनस व्हाट इसका टू क्या है, वन अपॉन सिक्स, यही है ना। हम क्या करेंगे, ये प्लस में है, इसको उस साइड लेके चले जाएंगे, या मान लो इसको नहीं लेके जाते। देख लो यार वन अपॉन टू था ना, लिख दिया, उस साइड किस तरह है, प्लस में या माइनस में, ये प्लस है माइनस, बेटे कुछ साइड नहीं है मतलब प्लस है, तो सिंपल हो गया ना, उस साइड प्लस में है ना, ये माइनस इसका साइन है, इस डब्बे का, कंफ्यूज मत होइएगा, माइनस इस डब्बे का साइन है, के लिए वन अपॉन टू है, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन के पहले वाले से पता चलता है प्लस या माइनस है। ये प्लस में था प्लस में लिखा, ये प्लस में था इसको जब हम इधर लेकर के आएंगे, इस तरफ लेकर के आएंगे, है ना, तो माइनस में हो जाएगा, सॉल्व सॉल्व हो जाएगा। मैं करके निकालता हूँ, सिक्स ही होगा इसका एलसीएम, देख लो टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स, टू थ्री जा सिक्स, वन जा यहाँ टू अपॉन थ्री कर दीजिए आंसर हो जाएगा। देखिए टू अपॉन थ्री आंसर इसको, मान लो क्या बॉक्स के पास यहाँ प्लस है, ठीक है ना, तो हम अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमको इस बॉक्स में फिल करना है, तो इस वाले नंबर इधर वाले नंबर को इधर लेके आएंगे, उधर वाले नंबर को इधर लेके आएंगे, तो 4 अपॉन 6 है माइनस 2 अपॉन 3 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए वही आंसर यहाँ पर दीजिए।
चलो मैं समझ गया कि तुम जो मुंह फुला रहे हो। सब कुछ होगा, टाइम होने से क्या होगा? तुम लोगों को कौन सा मुझे पढ़ाना है? क्या उधर बैठ के डिबेट करते रहे, इनको पढ़ाते रहेंगे? क्यों 15 मिनट? 3 घंटे का कर लो, हमने रोका है, आराम से जगह देंगे। मुंह बंद करिए, इसीलिए तो इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही है तुम्हारे 15 मिनट के चक्कर। ठीक है भाई, बंधु देख ना तेरे लिए कर रहे हैं, और तू कहती मुझे उगा रहा है अपने। देखो बेटे यहाँ पर क्या है, 3/4 है ना, लिया हमने, ये प्लस में था, उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -5/8 इज द एलसीएम, 4 2 जा 8, -8 1 जा 8, 6 -5/8 इज द 2 1/8 इज द आंसर। यहाँ 1/8 भर दीजिएगा और लाइफ आपका सुखमय हो जाएगा। खत्म का देखते रहो बेटे, इस एक्सरसाइज में और कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो, तुमको उन्हीं के खून से यहाँ लिख देंगे। देखिए मुंह बंद करिए, अच्छा नहीं लगता बोलते। क्वेश्चन नंबर 7 से है ना, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, सविता बॉट 2/5 meter ऑफ रिबन एंड कविता 3/4 meter ऑफ द रिबन। ठीक है, कविता 2/5 और कविता 3/5 meter रिबन लेती है, तो व्हाट वाज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे बॉट। कविता ने 2/5 लिया, सविता ने, और कविता ने 3/4 लिया, दोनों ने टोटल कितना लिया? बीच में प्लस लगा करके लाइफ स्वैग में बिताइए आप लोग। आगे देखिए क्वेश्चन है, स्टेटमेंट, रवीज टेक 2/1/5 meter टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड। ठीक है, रवीज टाइम कितना लेता है स्कूल के ग्राउंड का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए, 2/1/5, उसको इस तरह लिखते हैं, 2/1/5 meter। रवीज जी वो तो बाद में होगा ना। राहुल टेक 7/4 minute, हु टेक less time and by what fraction? अब वो कह रहा है कि 7/5 minute लेता है अगला, दूसरा राहुल, तो ये पूछ रहा है कि कौन कि कम लेता है, तो 5 2 10/11/5। ठीक है, आप इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के देख लेना पहले कि कौन ज्यादा ले रहा है कौन कम ले रहा है, पता है ना, डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, 20 कर दीजिएगा, दोनों के टेबल में सेम आता है। ठीक है, मैं बुलाऊंगा, 2 मिनट दो। 11/5, 7/4, ठीक है, अब उसके बाद कितना कम हुआ हम माइनस करके देख लेंगे, दोनों में माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने फ्रैक्शन से कम हो रहा है। ठीक है, माइनस का सम भी है, इसका मतलब ये माइनस करना है, सॉल्व कर दीजिए आप, हो जाएगा आपका। ओके ठीक है, आपके इस प्रस्ताव को मैं ठुकराता हूं निर्दयता पूर्वक। अब ध्यान दो, अ पीस ऑफ अ वायर, 9th क्वेश्चन, 7/8 meter लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 pieces, 7/8 meter लंबा कपड़ा था, उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया, वन पीस वाज 1/4 meter लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस। 2 टुकड़े थे, मैं तुमको 2 टुकड़े कर दूं, मैं आपको 2 टुकड़े कर दूं, एक का जो लेंथ है 1/4 हो तो दूसरे का कैसे पता चलेगा, आपके टोटल लेंथ से माइनस कर देंगे, टोटल लेंथ 7/8 है ना, तो इसका क्या करेंगे, 7/8 - 1/4 जो आएगा वही आंसर हो जाएगा सॉल्व करने का। ठीक है, हाँ सेम एलसीएम करके ही सॉल्व करेंगे, एलसीएम निकाल के जैसे मैंने ये सब सारा सॉल्व किया ना उसी तरह सॉल्व करना, माइनस है। अभी 4 मिनट वेट करो, बुलाएंगे सब बच्चों को, फिफ्थ वाले को बुलाएंगे, चिंता कोई बात नहीं, छुट्टी कर देंगे। 10th क्वेश्चन है, शिखा एंड प्रिया हैव
बुक सेल्फ्स ऑफ द सेम साइज. शिखा और प्रिया के पास सेम साइज की बुक सेल्फ है. शिखा की सेल्फ 5/6 की है और प्रिया की 2/5 है. हूज बुक सेल्फ इज मोर फुल. तो किसकी बुक सेल्फ ज्यादा भरी हुई है, ठीक है ना. माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा. और भाई व्हाट फ्रैक्शन भी है ना बेटे, तो उसके लिए माइनस करेंगे ना हम लोग, तभी तो पता चलेगा कितने फ्रैक्शन से ज्यादा. हाँ माइनस करना है सिंपल. आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं इसको. कल फ्रैक्शन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का क्लास टेस्ट है, प्रिपेयर होके आइएगा इसी फ्रैक्शन का. आरडी शर्मा से अलजेब्रा का कोई नहीं, खा जाएंगे हम लोग तब तक. वेडनेसडे क्या? नहीं नहीं हम तो हर दिन टेस्ट लेते हैं जी. बिल्कुल बच्चों को पता है, देखते नहीं मुरझाए हुए चेहरे इनके, अभी तो दिख नहीं रहे होंगे, एक हफ्ते से टेस्ट नहीं दिया इन्होंने. इस कड़वी बात को मीठी करने के लिए मुझे टॉफी खानी लेंगे बेटा, वो करेंगे करेंगे करेंगे. हाँ अभी रुको, टाइम मत पूछो हमसे, क्या ना 5 मिनट मुंह बंद करके बैठने के लिए. ऑब्जेक्टिव मतलब तुम इसको बता दे, लास्ट में देखो ना क्या है. 6.9 का क्या है? आंख दो ही है ना आपके पास, काम करता है देखो. ऑब्जेक्टिव में 1 सेकेंड क्वेश्चन है बेटा. बहुत बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा. 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन का कल टेस्ट हो, क्लास टेस्ट. देखते बुक में क्वेश्चन होगा, ठीक है. सबके बुक में क्वेश्चन है, अपने बुक से कर लीजिएगा. मेरे सामने बैठ के टेस्ट देंगे, ऑन द स्पॉट चेक होके नंबर दूंगा मैं, ठीक है. और देखते हैं कल कौन फर्स्ट आता है फ्रैक्शन में, किसको कितना आता है कल पता चल जाएगा. एक इनाम जिसका खराब होगा ना उसको इनाम मिलेगा, अच्छे वाले के लिए सवासी. बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे.